स्वराज था एक भयावह संकट में, मराठों का राजा सिद्धि जौहर के घेरे में। वरुण देव का जब साथ मिला, अंधेरी एक रात को राजे ने बन्नागढ़ छोड़ दिया। 600 बांदलों के साथ राजे विशालगढ़ की ओर गए। पन्नागढ़ से उस रात दो पालकियां निकली थी, एक में राजे तो दूसरी में शिवा काशिद बैठे थे। भाग गया शिवा, सिद्धि जौहर को खबर गई, फौज भेजो, कैद करो, पकड़ो शिवा को। उसकी जुबान कुछ नशे में ही कांप रही। नरसिंह को कैद करने फिर इन गिदड़ों की फौज गई, कैद कर लिया शिवा को कहके शिवा काशिद को पकड़ लाई। राजे की योजना सफल होने ही जा रही थी कि सिद्धि का एक हशम बोल पड़ा, शिवा नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। सिद्धि की मूर्खता पर अब शिवा काशिद हंस रहे थे। बहरूपिया नहीं हूँ मैं, शिवाजी राजे का अवतार हूँ, अभिमान से कह रहे थे। इस बात पर अब सिद्धि भड़क गया और शिवा काशिद जैसे वीर को हाथ बंधे ही मार दिया। नहीं भूल पाएंगे शिवा काशिद हम त्याग तुम्हारा, तुम्हारी वजह से बच गया राजा हमारा, ऐसे वीर की वीरता को शत शत नमन हमारा। राजे अब तेजी से विशालगढ़ की ओर जा रहे थे। बाजी और बांदल राजे का कवच बन रहे थे। मसूद की फौज उनका पीछा कर रही थी। तभी बाजी प्रभु ने राजे से कहा, राजे आप जाइए, मैं 300 बांदलों के साथ पूरी फौज को घोड़खिंडी में ही रोक लूँगा। राजे लाख मर भी गए पर लाखों का पालनहार जीवित होना चाहिए। हमारा स्वराज का सपना मत तोड़िए राजे, जाइए। शिवाजी राजे फिर बाजी प्रभु को पीछे छोड़ आगे बढ़ गए। मसूद की फौज घोड़खिंडी में पहुंच गई। दोनों हाथों में तलवार लिए बाजी प्रभु लड़ रहे थे। 300 बांदल अपनी जान हथेली पर रख कर पूरी फौज का रास्ता रोक रहे थे। सर कटे तो धड़ लड़ रहे थे, हाथ कटे तो पैर लड़ रहे थे, मर के भी ना हटे ऐसे मरहट्टे लड़ रहे थे। बाजी प्रभु पूरी फौज का काल बन रहे थे, जैसे हनुमंत इंसानी भेष में लड़ रहे थे। इंसानी शरीर था, थक गया, जगह जगह पर अब तलवार के घाव थे। तभी विशालगढ़ से तोपों की गर्जना हुई, राजे विशालगढ़ पहुंच गए थे। बाजी प्रभु ने फिर अपने प्राण त्याग दिए। उस रात घोड़खिंडी को खून का अभिषेक हुआ। बाजी प्रभु और 300 बांदलों की खून से पावन हुई वो घोड़खिंड अब पावन खिंड हो गई। बाजी प्रभु और बांदल शिवा काशिद जैसे वीर जिए भी स्वराज के लिए और मरे भी स्वराज के लिए, ऐसे वीरों की वीरता को कोटि कोटि प्रणाम।